दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के घर के अंदर इस समय समिता शेट्टी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिन प्रतीक और निशांत के साथ हुए झगड़े के बाद में उन दोनों ने समिता शेट्टी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है, यानी कि इन तीनों की दोस्ती में दरार आ चुकी है, जिसकी वजह से समिता शेट्टी अब बिग बॉस के मुख्य घर के अंदर बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। और इसी से परेशान होकर वो जंगल वासियों वाले हिस्से में आ गई और उनके पास आकर बैठकर बातचीत करने लगी, क्योंकि दोस्तों प्रतीक और निशान ने तो ये ठान लिया है कि वो किसी भी सूरत में अब समिता शेट्टी से इस घर में रहते हुए तो बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि लड़ाई के दौरान दोस्तों आपको बता दें कि समिता शेट्टी ने जंगल वासियों को मैप का जो टुकड़ा था वो लौटा दिया था, जिसकी वजह से प्रतीक और निशान ने समिता के साथ में अपनी दोस्ती तोड़ ली। इसी से परेशान होकर अब समिता शेट्टी जंगल वासियों से बातचीत कर रही है और कह रही है कि यार मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ, अब तो मेरा यहाँ रहने का मन भी नहीं करता। जिसके बाद दोस्तों जय भानुशाली और विशाल ने समिता की हिम्मत को बढ़ाते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप घर के अंदर अकेले हो, हम सब लोग भी तो आपके दोस्त ही है, आप हमारे साथ आके बैठिए, वहाँ जाते हो तो केवल सोने के लिए चले जाया करो रात को, बाकी दिन में हमारे साथ मस्ती मजाक किया करो, हम तो यहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं समिता में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन इसके बावजूद समिता शेट्टी कैमरे के सामने आकर बिग बॉस से ये रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दी कि यार बिग बॉस किसी न किसी तरह करके आप नेहा भसीन को वापस घर के अंदर भेज दीजिए, क्योंकि नेहा बिग बॉस ओटीटी के घर में भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और नेहा के आने के बाद तो मैं अपना गेम ही बदल डालूंगी। फिर दोस्तों अब ये देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या बिग बॉस समिता शेट्टी की ये खास डिमांड को पूरी करते हैं या नहीं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या समिता शेट्टी के साथ प्रतीक और निशान ने सही किया या गलत, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।